नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आप सभी का NCUMS परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मेरे लिए आपके लिए कक्षा छठी के ग्रामर लेकर आया हूं, व्याकरण लेकर आया हूं, जिसमें पार्ट 15 उपसर्ग और प्रत्यय हम ये पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय यह समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अलग अलग पार्ट होने चाहिए, लेकिन इस ग्रामर में एक में ही बना दिया गया। उपसर्ग, उप यानी होता है आगे प्रारंभ में, और प्रत्यय, प्रत्यय यानी होता है पीछे अंत में, ठीक है। तो ये क्या उपसर्ग और प्रत्यय में हमेशा बच्चे देखें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बना रहता है। जब प्रत्यय पूछा जाता है वह उपसर्ग देख लेते हैं, जो उपसर्ग पूछा जाता है वह प्रत्यय देख लेते हैं। तो यह परेशानी ना हो इसलिए फिर भी हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। उपसर्ग क्या होते हैं, चलिए आइए हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको समझना है। सुगंध, दुर्बल, उद्घाटन। सुगंध, दुर्बल और उद्घाटन, ये तीन शब्द है आपके सामने, ये हमें क्या बता रहे हैं आइए देखते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में, ठीक है ना, यहाँ सुगंध लिखा है, मात्रा नहीं लगी। सुगंध, दुर्बल और उद्घाटन शब्द का निर्माण गंध, बल तथा घाटन शब्दों से हुआ है, ठीक है ना। जैसे क्या है, यहाँ देखेंगे गंध, अगर ये स हटा देंगे तो यहाँ गंध हो जाएगा, ये दूर और र हटा देंगे तो बल हो जाएगा, और ये उद हटा देंगे तो घाटन हो जाएगा। तो जो पहले शब्द हैं, सु है, दू है, उद है, ये शब्द क्या होते हैं, ठीक है ना। शब्द का निर्माण गंध, बल तथा घाटन शब्दों से पूर्व क्रम से सु, दूर और उद शब्दांश जोड़कर हुआ है। ये शब्दांश उपसर्ग है, इन शब्दांश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश उपसर्ग, जो शब्दांश शब्द के अंश, ठीक है ना, जो शब्दांश ये इन्हें पूरे शब्द नहीं कहेंगे, जो शब्दांश इन्हें शब्द के अंश होते हैं, जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले जुड़कर, जो मूल शब्द होते हैं जैसे गंध है, बल है, घाटन है, इनके पहले, इनके प्रारंभ में, इनके स्टार्टिंग में जो पहले जो शब्द लगते हैं, जैसे सु लगा, दू लगा, उद लगा, ठीक है ना, इन शब्दों को जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, यहाँ दे रखा है हमारे सामने, ठीक है ना, सुगंध। सुगंध क्या होती है, सुगंध हम कह सकते हैं खुशबू, महक, ठीक है ना। और यहाँ से अगर सु हटा देंगे तो गंध, गंध यानी होती है जो कैसे, जो गंदगी, दुर्गंध आना, ठीक है ना, बुरी खुशबू आना, बुरी बदबू आना, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हमने उपसर्ग लगाया, सु लगाया, सु यानी हो जाए अच्छी खुशबू आना, ठीक है ना, उसका अर्थ ही परिवर्तन हो गया, उसमें विशेषता आ गई, ठीक है। तो जो शब्दांश पहले जुड़कर, शब्द के शब्दांश के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश के प्रारंभ में, शुरुआत में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन या विशेषता लाते वही उपसर्ग कहे जाते हैं, ठीक है। ये परिभाषा सिंपल सी है। उपसर्ग यानी होता है आगे, और प्रत्यय यानी होता है पीछे, उ यानी होता है आगे, और पी प यानी होता है पीछे। बस इतना ध्यान अगर आपने रख लिया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्दों से पहले जुड़ते हैं, जैसा कि हमने देखा है कि उपसर्ग हमें शब्दों से पहले जुड़ते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, ठीक है, स्वतंत्र प्रयोग इनका नहीं होता। जैसे सु है तो ये सु क्या होता है, इनका नहीं, लेकिन जो सुगंध में जुड़ गया तो इनको माना जाए, शब्द अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। परंतु जब वे मूल शब्द से जुड़ते हैं तो उस शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ही वो नए शब्द या दूसरे शब्द से जुड़ेंगे तो उसके अर्थ परिवर्तन कर देंगे या उसमें विशेषता ला देंगे। बल, ठीक है ना, उसके बाद सुबल यानी बहुत ताकतवर हो जाएगा, दुर्बल यानी बहुत उससे कमजोर हो जाएगा, तो उसमें अर्थ जैसे ही परिवर्तन कर देते हैं। जैसे दे रखा है शब्दांश और मूल शब्द दे रखे हैं, जैसे प्रधनहार, ठीक है ना, तो प्रहार आक्रमण, अगर हार होगा, ठीक है ना, तो हार यानी कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि किसी लड़ाई लड़ी या किसी चीज गेम्स खेला उसमें हार गए, ठीक है, या फिर एक पहनने वाला हार भी होता है। लेकिन जो प्र हमने उपसर्ग लगाया तो उपसर्ग लगा प्रहार, प्रहार यानी होता है आक्रमण करना या हमला करना, ठीक है ना, इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। कार और उप,
ठीक है ना। कार और कार शब्द देखा जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन उप और कार हमने जोड़ लिया तो उपकार होता है, यानी किसी की भलाई करना है। तो इस प्रकार से यह शब्द दे रखी उपसर्ग। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में हिंदी शब्दों के साथ साथ संस्कृत, उर्दू तथा अन्य शब्दों की भी प्रधानता रही है, ठीक है ना। हिंदी भाषा में संस्कृत तो मूल रही है, जननी है, लेकिन इसके साथ में उर्दू जैसे शब्द और बहुत से ऐसे शब्द है जो फारसी है, डच है या फिर इंग्लिश के, बहुत सारे शब्द हिंदी में भी आ गए हैं, किंतु इनके उपसर्ग भाषा अनुसार भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं, यहाँ दे रखा है आ, यानी तक, ठीक है ना, अर्थ है तक। आ का होता है तक, अर्थ है आजीवन, आमरण और आजन्म, ठीक है ना। आजीवन यानी पूरा जीवन, ठीक है ना। आजन्म यानी जन्म से। इससे अब देखा, अप यानी होता है बुरा, ठीक है ना, बुरा बताना या हीन बताना। अपमान, मान यानी किसी का सम्मान करते हैं, और अपमान यानी किसी को हम बुरा भला कहते हैं, तो उसे अपमान कर दिया। अपकार, उपकार का विलोम शब्द है अपकार, हम किसी की भलाई नहीं करना, ठीक है ना, उसे अपकार बोलते हैं। अपयास यानी आपकी सम्मान और सम्मान का कम होना। अगला होता है दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा, ठीक है, दूर का अर्थ होता है बुरा। जैसे दुर्गम, दुर्गम यानी जहाँ जाना कठिन हो या कठिन रास्ता हो। दुर्जन यानी बुरा जन, बुरा व्यक्ति। दुरुपयोग, किसी भी चीज़ का गलत तरीके से उपयोग करना। सु का अर्थ होता है अच्छा, यानी सरल यानी अच्छा, यानी सुमन, सुधार और सुपुत्र। सुपुत्र यानी अच्छा बेटा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी के उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि हिंदी के उपसर्ग कैसे हैं, जिसमें अ, अ का अर्थ होता है अभाव यानी के बिना, यानी किसी अभाव की जानकारी बताता है। अज्ञान यानी ज्ञान नहीं है जिसमें। अकाल, ठीक है ना, अकाल यानी समय, अछूत, जिसे हम छू नहीं सकते। तो इसे अ का दे रखा है। अध, अध यानी होता है आधा, ठीक है ना, जिसे पूरे में से हम उसे आधा कर लेते हैं। अध यानी होता है आधा। अध खिला, अध मरा, ठीक है ना। अध खिला यानी जो कली होती है फूलों की, उसे अध खिला कहते हैं। अध मरा, जो अभी मरा नहीं है लेकिन मूर्छित है बेहोश से, जिसे अध मरा कहते हैं। कु, कु का अर्थ भी बुरा होता है। कुख्यात, ठीक है ना, जो बुराई के कारण ही बुरा ख्यात है, प्रसिद्ध है, जैसे डाकू है, चोर, उचक्के होते हैं, कुख्यात होते हैं। कुकर्म यानी बुरे कर्म करना। कुपुत्र, जिसे हमने सुपुत्र पढ़ा था, उसका ही कुपुत्र, कुपुत्र यानी बुरा बेटा। पर यानी होता है दूसरा। परदेश यानी दूसरा देश। पर काज यानी दूसरा काम। पर नाना यानी दूसरा, अनेक प्रकार के। तो इसमें हिंदी के उपसर्ग देख रखें। आप बुक में देखेंगे तो बुक में बहुत सारे उपसर्ग हैं, बहुत सारे। आप उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें और उन्हें याद करें, और उन्हें प्रयास करने का भी प्रयास करें। जैसे मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो छात्रों को स्वयं करने के लिए कहा है, तो उससे करने का प्रयास करें, तो आपको और भी मिलेंगे, समझ में आएगा हिंदी के उपसर्ग, ठीक है ना। ये हिंदी नहीं, ये उर्दू के उपसर्ग है, ठीक है, गलती से हिंदी लिखा गया है। उपसर्ग है कम यानी थोड़ा, यानी कमजोर। कमजोर उसको बोलते हैं जिसमें जोर नहीं होता, जोर होता है लेकिन कम होता है, जिसमें ताकत कम होती है उसे कमजोर कहते हैं। कम अक्ल, जिसमें अक्ल कम होती है। गैर, गैर होता है निषेध। गैर हाजिर, गैर हाजिर यानी होता है जो उपस्थित नहीं है। गैर कानून, ये कानून के खिलाफ है, कानून के विरुद्ध है। बा यानी साथ में। बा अदब यानी इज्जत के साथ में। बाकायदा यानी कानून के साये। हम यानी साथ और समान होता है। हमदर्द और हम उम्र। हम उम्र यानी एक ही उम्र के। हमदर्द यानी जो एक दूसरे का दर्द समझता है। तो यह हिंदी गलती से लिखा गया और यहाँ उर्दू है, उर्दू के उपसर्ग हमने पढ़े हैं। अब चलिए आइए, जहाँ हमारे उपसर्ग जहाँ कंप्लीट हुए, हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा कि जो शब्द के प्रारंभ में शब्द के आगे, ठीक है ना, जुड़कर उस शब्दांश का अर्थ परिवर्तन कर देता है, उसमें विशेषता लाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब है प्रत्यय। प्रत्यय क्या आइए प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय का अर्थ प यानी पीछे, यानी शब्द के अंत में इसमें परिवर्तन शब्द जुड़ते हैं। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए।
सब्जी वाला। अब जो सब्जी वाला आपने सभी जानते हैं, सब्जी वाला कौन, जो सब्जी बेचने आता है, हम सब्जी खरीदने जाते हैं। जादूगर, ठीक है, जादू दिखाने वाला। ऊपर दिए गए उदाहरणों में सब्जी वाला और जादूगर का निर्माण सब्जी और जादू शब्दों के अंत क्रमशः वाला और गर शब्दांश जोड़कर हुआ है। ये शब्दांश प्रत्यय हैं, ठीक है। जो सब्जी है वाला, जिसके पास सब्जी है, ठीक है, सब्जी से संबंधित रखता है, वो सब्जी वाला कहा जाता है। जादूगर, ठीक है, गर यानी करने वाला, जादू दिखाने वाला, ठीक है ना। तो गर जादू, एक जादू मतलब एक मैजिक होता है, लेकिन गर यानी जो उसके जादू को करने वाला, तो उसे हम जादूगर कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जिसमें कहा गया है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में, जो लास्ट में, जो पीछे जोड़ते हैं, और उपसर्ग क्या है, आगे, प्रारंभ में, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, और इसमें कहते हैं प्रत्यय लास्ट में, तो वह क्या है कि जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, शब्द के अर्थ में परिवर्तन आएगा। जैसे कि यह पहले सिर्फ एक सब्जी है और वाला जुड़ गया, तो उस व्यक्ति का बारे में जानकारी दे रहे हैं जो सब्जी बेचता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्रत्यय भी हैं जिन्हें वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कार और हार। ठीक, कार यानी देखा जाए तो एक इंग्लिश शब्द है जो गाड़ी चलाने कार होती है, हार पहनने वाली हार होती है, जीत हार होती है, तो ये स्वतंत्र शब्द है। प्रत्यय के रूप में प्रयोग, स्वतंत्र रूप में प्रयोग, ये प्रत्यय के रूप में प्रयोग, शिल्प धनकार शिल्पकार, ठीक है ना, शिल्प धनकार शिल्पकार। शिल्पकार क्या होता है, जो पत्थरों को तराशते हुए एक नई मूर्ति, नया आकार देता है, ठीक है, उसे हम शिल्पकार कहते हैं। स्वतंत्र रूप से में प्रयोग, दिनेश कार द्वारा मेरे घर आया। कार यानी क्या, व्हीकल होता है, ठीक है ना, जिसके द्वारा घर, दिनेश घर आया, तो इसे स्वतंत्र रूप में प्रयोग हो जाता है। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भी भेद होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। चलिए आइए हम कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय होता है जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप से जोड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, मूल शब्द में संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय अक मूल शब्द हैं चाल और क्या है, धाव। इसमें हो गया चालक और धावक। चालक यानी चतुर व्यक्ति और धावक क्या होता है, दौड़ने वाला। आहट चिल्ला और गुर्रा, चिल्ला में अगर हम आहट जोड़ेंगे तो चिल्लाहट हो जाएगा और इसमें गुर्राहट होता है। इसके साथ आवट में, बन में अगर आवट जोड़ देंगे तो यहाँ बनावट हो जाएगा, और सजा में आवट जोड़ेंगे तो सजावट हो जाएगा। जो शब्द की अंत में लगेंगे तो इनके अर्थ इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएंगे। अब ये तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या है, जाए संज्ञा और विशेषण से जो जानकारी मिलती है। तद्धित प्रत्यय में देखेंगे जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर, धातु को छोड़कर, ठीक है ना, अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय करते हैं, ठीक है, नए शब्द ही बना देता है। जैसे कौन कौन से हैं प्रत्यय, मूल शब्द आ जुड़ा है, हार है और गर है, और भी बहुत सारे हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, आप उन्हें बुक में अच्छे से रीडिंग करिए, पढ़िए। भूख और ठंड, ठीक है, जब भूख क्या होती है, जब हम खाना नहीं खाते हैं तब हमें कुछ कमजोरी का एहसास होता है, कुछ एनर्जी चाहे, उसे हम भूख कहते हैं। ठंड, ठंड तो आप सभी को भी पता है, ठंड का मौसम कैसा चल रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा ठंड लगने से हमारा शरीर कांपने लगता है, उष्मा की आवश्यकता हमें महसूस होती है। तो भूखा और ठंडा, जिसमें भूखा में आ लगा, तो जो भूखा यानी जिस व्यक्ति को बहुत जोर से भूख लग रही हो, जो जिसने खाना नहीं खाया उसे भूखा, और ठंडा यानी ठंडा यानी पानी भी हो सकता है, बर्फ भी हो सकती है, दूसरी जानकारी देते हैं। तो ये हुआ प्रत्यय जो दूसरा जुड़कर, अंत में जुड़कर उसके अर्थ की बदल ही देते हैं। ये भूख यानी ये भूख अलग होती है और भूखा अलग होता है, दोनों में कितना अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। हार, हार देखते हैं, जीत हार होती है, ठीक है ना, पहनने वाला हार होता है। तो लेकिन यह जब यह किसी और शब्द के अंत में जुड़ता है, पालन और चलन में,
पालनहार जो हमें पालते पोसते हैं, हमारे माता पिता होते हैं या फिर परमेश्वर भगवान होते हैं। चलनहार जो चल रहा है अभी, जो चलन में है। गर, गर यानी होता बाजीगर, सौदागर। बाजीगर यानी बाजी अपने हाथ में लेना, जीतने वाला, ठीक है ना। सौदागर यानी सौदा करने वाला, ठीक है, इसे सौदागर बोलते हैं, व्यापारी। हमारा अंत में है उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग। उपसर्ग और प्रत्यय का एक ही शब्द में प्रयोग किया गया है जो हमने दे रखा है। कई बार उपसर्ग में प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब मैं शब्द में जोड़ना है कि कौन से शब्द है। खुश बू दा र, ठीक है ना। इसमें बताया गया र, या र लिखना छूट गया, दार होता है वैसे। तो ये जो खुश है, ठीक है ना, ये क्या है, उपसर्ग है। जो बू है, ठीक है ना, बू है यह मूल शब्द है, और दार है यह क्या है, प्रत्यय है। अभी जो अभी है उपसर्ग है, जो मान है यह मूल शब्द है, और ई है, ठीक है ना, यह प्रत्यय है, तो ये अभिमानी कहलाएगा। वैसे ही है वी है ये उपसर्ग है, स्मरण यह मूल शब्द है, और ई, ई जो दे रखा है ये हम कह सकते हैं प्रत्यय है। तो विस्मरणी इसे कहा जाएगा, इस शब्द में देखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कि एक पूरा एक सेंटेंस देखा जाएगा, उसमें आपको प्रत्यय, मूल शब्द और उपसर्ग छाटना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको विचार करना है। जैसे दे रखा है अनैतिकता, तो जैसे अ शब्द है, आपको ये समझ में आ रहा है कि अ शब्द है यानी उपसर्ग है। नैतिक, जो नैतिक है यानी मतलब कह सकते हैं कि ये क्या है, नैतिक क्या होता है, ये मूल शब्द है, यहाँ दे रखा है नैतिक। और जो ता दे रखा है, जो अंत में ता लगाया गया है, ये क्या है, प्रत्यय है। तो ये हमने आज के पाठ में हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा। आप पाठ को पहले अच्छे से रीडिंग कीजिए, क्योंकि कई कई बच्चे ऐसे हमारे पास फ़ोन भी आता है कि सर वीडियो है हमने देखा लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले जो वीडियो देखने से पहले आप पाठ को एक बार रीडिंग कर लीजिए, और उसके साथ में फिर ये वीडियो अच्छे से देखिए, और उसके बाद फिर से पाठ रीडिंग कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से और व्यवस्थित समझ में आएगा। जहाँ डाउट आपको लगता है तो वीडियो आप रोक लीजिए, उसे किताब में देखिए, फिर से वीडियो चलाइए, इस तरीके से बार बार इसे पढ़। एक बार वीडियो देख लिया और हमें समझ में आ गया, ऐसा नहीं। वीडियो को बार बार देख के अच्छे से अच्छे बोलने का और इसको सीखने का प्रयास करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको PDF फाइल मैंने उपलब्ध करा दी गई है, आप उसे अच्छे से देख लीजिए, और इसी के साथ में जो क्वेश्चन आपको दिए छात्र स्वयं करें, उस स्वयं करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।